झज्जर के खेड़ी खुमहार गांव में एक ट्रक का संतुलन बिगड़ने से वह पलट गया और उसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान खेड़ी खुम्बर गांव के ही कैलाश नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। कैलाश जन आपूर्ति विभाग में कार्यरत था। कैलाश आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ के जेल भरो आंदोलन में भाग लेने के लिए झज्जर आने वाला था, लेकिन सुबह के समय हादसे का शिकार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गुस्साए ग्रामीणों ने झज्जर चूचकवास रोड पर जाम लगा दिया, जिसके बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल भिजवाया। पुलिस जांच अधिकारी सुमित कुमार का कहना है कि इस हादसे में 2-3 अन्य लोगों की भी चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। झज्जर से सोनू धनखड़, आजाद टीवी न्यूज। सुबह सूचना मिली थी खेड़ी गांव में ट्रक चालक द्वारा एक्सीडेंट करके एक आदमी की मौत हो गई। इसमें मौके पर पहुंचे थे तो वहां पर कैलाश नाम का खेड़ी गांव का रहने वाला, उसका मौके पर मौत हो गई थी। उसको हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया था। उसके साथ साथ ट्रैक्टर और एक स्कूटी और मोटरसाइकिल वाले को भी उन्होंने टक्कर मारी थी। वो ट्रक पलट गया था और उसके कैलाश के परिजनों के बयान पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया।